प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पाठ क्रमांक 7 करना है निर्माण, इस कविता का अर्थ समझेंगे। अर्थ यानी मतलब। इस कविता के कवि है गौकरण वर्मा। कवि पहले शेर में कहते हैं कि करना है निर्माण हमें नव भारत का। निर्माण, निर्माण यानी तामीर, नव यानी नए, हमें नए भारत की तामीर करनी होगी। हमें हमारे देश की जग में बढ़ानी होगी शान, जग यानी दुनिया, हमें हमारे देश की पूरी दुनिया में शान बढ़ानी होगी। यही हमारी सब धरती हो खेतों में हरियाली, यही जितनी भी धरती है, धरती यानी जमीन, सारी हमारी हो और खेतों में हरियाली हो। फूल फलों से झूम रही हो बन बन डाली डाली, फूलों से फलों से यहाँ के बाग और जंगलों की डालियां झूम रही हो, बन यानी बाग जंगल। नदी नहर सरोवर बरखा के जल से बरसे धान, नदी नहर सरोवर, सरोवर यानी तालाब और बरखा यानी बरसात, नदी नहर तालाब और बरसात के पानी से सारे खेतों में फसलें ही फसलें हो। आगे कवि कहते हैं कि हिमगिरी के ऊंचे शिखरों पे फूल चढ़ाने जाए। हिमगिरी हिमालय को कहते हैं, शिखर यानी चोटियां, यानी हिमगिरी के ऊंचे शिखरों पर, यानी हम हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाए और फूल चढ़ाए। रत्ना करके अतुल नियत नित खोज के रत्नों पाए, रत्नाकर यानी समंदर, अतुल यानी गहरे, यानी गहरे समंदर में हम गोते लगाए और खजाने तलाश करें। गाय बन कुंजों की मनहर सुंदरता के गान, यानी हम गाय बन यानी बागों की जो शाखे है सुंदरता के गान, उनके दिलकशी के हम गाने गाए। कोई न भेद रहे आपस में हम सब भाई भाई, कोई न भेद रहे, भेद यानी फर्क, इम्तियाज, यानी हम में कोई फर्क ना हो, कोई इम्तियाज ना हो, हम सब आपस में भाई भाई हो। भारत की सब संतानों में सच्ची प्रेम भलाई, संतान यानी औलाद, लेकिन यहाँ उससे मुराद है कि भारत के सब संतानें, यानी भारत के जितने भी शहरी है, सब में सच्चाई हो, प्रेम यानी प्यार हो और भलाई हो। सत्य अहिंसा के प्रण से पत्थर में प्रकटे प्राण, ने सत्य ने सच्चाई, अहिंसा यानी अदम तशद्दुद, अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, अगर हम इस रास्ते पर चले तो हम पत्थर में भी जान डाल सकते हैं। प्राण यानी जिंदगी, सत्य अहिंसा के प्रण से पत्थर में प्रकटे प्राण, यानी सत्य अहिंसा के हम रास्ते पर चले तो हम पत्थर में भी जान डाल सकते हैं। करना है निर्माण हमें नव भारत का, निर्माण हमें नए भारत की तामीर करनी है। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहते हैं कि अगर हमने इस पर कविता पर अमल किया तो हम भारत के निर्माण कार्य में हिस्सा ले सकते हैं और अपने देश की उन्नति और प्रगति में हिस्सा ले सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चले और आला तालीम हासिल करके इस देश की तरक्की में योगदान दें।